नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 9 Pro वर्सेस Motorola Edge 30 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 9 Pro में 6.43 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो 9 Pro में 2.9 इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 9 Pro में 197 ग्राम्स जबकि Edge 30 Pro 5G में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 9 Pro में फ्लूइड AMOLED जबकि Edge 30 Pro 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 9 Pro में 1440x3216 और Edge 30 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 9 Pro में 90.23% जबकि Edge 30 Pro 5G में 87.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 9 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच जबकि Edge 30 Pro 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 9 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 9 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Edge 30 Pro 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 9 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Edge 30 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 9 Pro में Adreno 660 जबकि Edge 30 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 और Edge 30 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Edge 30 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Edge 30 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 9 Pro में Android V11 जबकि Edge 30 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 9 Pro में 4500 mAh जबकि Edge 30 Pro 5G में 4800 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 9 Pro में 3 कलर्स जबकि Edge 30 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 9 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस, 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 69,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें H30 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus 9 Pro में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola H30 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 9 Pro आगे है, मेन कैमरा में H30 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है, दूसरा Oppo Reno 6 5G है, तीसरा Vivo V21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 Legend है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।